और ये अपना छोटा गाड़ी मालिक, और ये अपने सरताज भाई, सरताज भाई अपने इतने नल्ले आदमी, बेरोजगार आदमी है कि अपने काम धंधा है नहीं तो क्या करें बे। सो गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मैं हूं ऋषि और आप देख रहे हैं ऋषि सिंह व्लॉग्स। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, अभी ना मेरे पीछे है अपना सीएनजी पंप जहां से मैंने गैस को फुल करवाया है, मतलब फुल नहीं करवाया है मैंने, कल की तरीके आज भी ना केवल 500 की ही गैस जलवाई है। बिकॉज अगर जब वेट करते हैं ना, मैं आपको बता दूं, जब फुल गैस अगर करवा लेंगे अभी और वेट करेंगे अगर एक डेढ़ घंटे नहीं आती है ना, तो सीएनजी का जो वो है ना वो डाउन हो जाता है। ठीक है, जो ऊपर का फुल वाली डंडी होती है ना हल्की सी नीचे आ जाती है, तो गैस ना बैठने लगती है। तो इसकी वजह से ना मैंने डलवाई है 500 की। अगर आउट आती है तो रास्ते में कहीं से भी अपन लोग 200 रुपए की और फुल करवा लेंगे, तो गैस अपने बिल्कुल ऊंचाइयों पे छू जाएगी, जिससे कि गैस ख़त्म होगी नहीं, लखनऊ का चक्कर अपना आराम से हो जाएगा। और दोस्तों अगर बात करें अपने ओला की, तो डिवाइस मैंने अभी ऑन नहीं करी है, बिकॉज मैंने सोचा ना कि पहले ना गैस को फुल करवाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर बीच में राइड आ जाती, कभी कभी ना किसी कस्टमर को सबर नहीं होता भाई, और होना भी क्यों चाहिए, क्योंकि उनको लेट हो रहा होगा तो भाई वो तो बोलेंगे ही। तो इसकी वजह से ना इस वाली सिचुएशन को अगर आपको नहीं फेस करना है कि उनको जल्दी आपके में गैस नहीं है, फिर आपको और ज़्यादा दिक्कत होगी ना, तो उससे अच्छा ये है कि आप पहले ना सीएनजी को करवाएं फुल, देन फिर आप अपनी डिवाइस को करें ऑन। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं अब सीएनजी को मैंने करवाया है, अब मैं डिवाइस को करूंगा फुल और करूंगा मैं वेट, देखते हैं अपनी राइड कितनी देर में आती है। दोस्तों अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों बने रहिए ऋषि सिंह व्लॉग्स पे आगे की अपडेट के लिए, देखते हैं आज का काम कैसा रहेगा। ठीक है दोस्तों, फ्रेंड्स अभी ना मैं बैठा हुआ हूँ वीरेंद्र स्वरूप पार्क पे और धूप सेक रहे हैं मैं और दीपक भाई, ये हैं अपने दीपक भाई। तो अभी हम दोनों भाई बैठ के जो है धूप सेक रहे हैं, विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी हम लोगों के अंदर, तो हम लोग वो ले रहे हैं और विटामिन डी लेते हुए करते हैं हम लोग अपनी राइड का इंतजार, जैसे ही आएगी मैं आपको तुरंत बताऊंगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि राइड अपनी नहीं आई है, समय हो चुका है 2:15 का। ठीक है, और जब से ऑन थी तब से लेके अभी तक राइड एक भी आउट स्टेशन नहीं आई है, लोकल मैंने बंद कर रखी है, बिकॉज लोकल का काम अपने कानपुर में उतना अच्छा चल ही नहीं रहा है। तो इसकी वजह से आज लोकल चलाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कल 3 राइडें लोकल की करी थी, तो उसमें समझ में आ गया था कि कितना अच्छा चल रहा है। तो इसी के साथ ना मैं एक चीज बताऊं आपको, मतलब ओला की लाइफ जो है ना वो ऐसी है भाई, आप कहीं के नहीं रहोगे, आप कहीं नहीं जा सकते हो, आप छुट्टी करने का मन नहीं करता भाई, पता है क्यों? क्योंकि लगता है कि यार अपना ना 1000-1500 का नुकसान होगा, टके टके पे घूमते रहो, इधर जा रहे उधर जा रहे, मतलब नैनीताल मनाली वाले घूमने वाली उम्र में भाई हम लोग इंतजार कर रहे हैं, किसका? हम लोग इंतजार कर रहे हैं अपने लखनऊ के आउट स्टेशन का, समझ रहे हैं आप? खैर करते हैं यार वेट, 2:15 हो चुका है, देखते हैं राइड अपने कितनी देर में आती है, अगर आएगी तो मैं आपको बताऊंगा। मेहरबान कदरदान साहिबान दिल थाम के बैठिए, क्योंकि नहीं आई मेरे पास बुकिंग, भाई बुकिंग नहीं आई है यार, 4 बजने जा रहा है और ना ये बगल में एग्जीबिशन लगी वीरेंद्र स्वरूप पार्क में, भाई अलग सर दर्द कर रही है, मतलब अजीब ही टाइप के गाने बज रहे हैं, मतलब मेरा दिल भी कितना पागल है, बढ़िया यार लेकिन गाना। तो यार अभी ना राइड कोई नहीं आई है, और एक आई थी तो वो कोई साहब होंगे जो खेल रहे थे फेक बुकिंग डाल के, तो राइड तो यार अपनी नहीं आई है, और 2 दिन कमाए के 3rd दिन फिर से अपन लोग बैठ गए। तो देखते हैं यार शाम तक, हमें तो नहीं लगता कि अब आएगी, और लोकल भी क्या ही चलाएं आज, 2-4 घंटे में कुछ होना भी नहीं, कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे भाई, मतलब अपना का तो ये है यार कि आ गए तो टू गुड, नहीं आए तो गुड टू तो भाई यार राइड नहीं आ रही है, और वेट करते करते दिमाग हो रहा है खराब, सर हो रहा है दर्द, और बगल में एग्जीबिशन में गाने चल रहे हैं यार बहुत ज़्यादा खतरनाक वाले, गोरे गोरे मुखड़े पे काला काला चश्मा, और यही सब वाले बज रहे हैं यार दिमाग, गोरे गोरे मुखड़े पे जा यार। चलो करते हैं वेट यार, देखते हैं राइड कितनी देर में आएगी। फ्रेंड्स देख सकते हैं आप काम के हालात कुछ इस कदर खराब हो चुके हैं कि अपने कानपुर के जो अपने गाड़ी मालिक भाई हैं, जिनके पास 2-2, 4-4, 6-6 गाड़ियां हैं, वो सब मेरी गाड़ी में आके बैठ चुके हैं, काम बिल्कुल मंदा हो चुका है, देख सकते हैं इस अपने भाई को, बिल्कुल बिल्कुल भाई के पास बिल्कुल काम, तो देख सकते हैं आप इस भाई को, इसके पास भी काम नहीं आ रहा। ये है अपने नदीम भाई, और ये अपना छोटा गाड़ी मालिक, और ये अपने सरताज भाई, सरताज भाई अपने इतने नल्ले आदमी, बेरोजगार आदमी है कि अपने काम धंधा है नहीं तो क्या करें, बच्चे को टहला रहे ओला गाड़ी में, देख सकते हैं आप
आए करो बाबू, बाबू आए करो, करो दोनों हाथ से आए कर रहा। तो दोस्तों इसी के साथ ना हम लोग कर रहे हैं काम का वेट, काम लोकल का भी नहीं आ रहा क्योंकि नदीम भाई लोकल का काम कर रहे हैं, ये भाई अपना लोकल का काम कर रहे हैं, सरताज भाई अपना बेरोजगार घूम रहे हैं क्योंकि ये गाड़ी नहीं चला रही है, अपने बच्चों को खिला रहे हैं। और इसके बाद मैं तो ओला की माया कोई समझ नहीं पाया, करते हैं वेट और देखते हैं राइड आएगी कि नहीं आएगी। सो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आज का ना अपना लॉस हो चुका है, अपने पास काम नहीं आया। बज रहे हैं शाम के 6 और 6 बजने के साथ ही ना मैं निकल पड़ा हूँ घर की तरफ, बिकॉज काम तो आया नहीं है। मेरी एक गलती हुई कि मैंने आउट स्टेशन की वजह से ना अपना पूरा दिन खराब कर दिया, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। लेकिन कोई नहीं यार, मतलब आउट लोकल खोलने में ये दिक्कत हो जाती है कि कभी कभी राइड नहीं आती है, तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्या पता बंद रखूं तो आउट स्टेशन आ जाए, बट नहीं आई। तो आज का अपना लॉस हो चुका है दोस्तों, और बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है यार, काम है ऊपर नीचे हुआ करता है। बाकी मैं आपको बता दूं कि ओला की यही है दुनिया, किसी दिन काम अच्छा है किसी दिन काम बुरा है। तो इसी वजह से मैं हमेशा आपसे बोलता हूँ कि प्राइवेट काम पे ना ज़्यादा फोकस करना चाहिए, बिकॉज ओला का काम कभी है कभी नहीं है। और प्राइवेट काम का सीन ये होता है कि अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट काम मिलता रहेगा तो अपना काम जो है मतलब लॉस नहीं होगा दिन का, ये फ़ायदा होता है प्राइवेट काम का। बाकी तो फिर कोई नहीं, अब मैं मेरे पास काफ़ी प्राइवेट आती हैं लेकिन इस समय पता नहीं क्या हो गया सबको यार, प्राइवेट बुकिंग भी नहीं आ रही है ज़्यादा। तो खैर कोई नहीं, चलते हैं सीधा घर दोस्तों, मिलते हैं कल आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, गुड नाइट, बाय बाय दोस्तों।